हेलो, मैं शोभा सिंह। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड विद आइसक्रीम। अच्छा, आज हम बनाएंगे कस्टर्ड है वो वनीला फ्लेवर वाला है, ये हम बनाएंगे। अच्छा, अभी तक आपने काफ़ी कस्टर्ड खाए होंगे अलग अलग फ्लेवर के। आज हम थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, उसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करेंगे। ये जो हमारी किशमिश है, आप ये इस बार इस तरीके से बना के देखें। ये किशमिश है, ये हमारे अनारदाने और ये नाशपाती है, छील के हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट लिए। ये देखिए, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं हैं। और ये हमारा एप्पल, ग्रीन सेब, हमें मार्केट में ग्रीन मिल गया था। क्या टेस्ट तो एप्पल का रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा कलर चेंज है तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और हमें चाहिए एक कप ठंडा दूध, हाफ कप चीनी, और हमें चाहिए आधा लीटर दूध कस्टर्ड बनाने के लिए। हाफ लीटर दूध है, बॉयल करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। अब क्या, जब तक ये हमारा दूध बॉयल होता है, हम दूसरी तरफ ये जो कस्टर्ड पाउडर है, एक कप ठंडा दूध लें आप। जब भी ठंडा दूध लेने से क्या होता है, कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे से मैश होता है। गर्म दूध में क्या, उसमें थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं। इसमें हमको भर के टेबल स्पून, तीन स्पून भर के पूरा कस्टर्ड पाउडर डालना है। ये हमने डाल दिया, थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, है ना, ये है। अब फुल भर के ले 3 स्पून। अब इसको क्या, धीरे धीरे हमें फेंटना है आराम से। ये हमारा दूध है, ये बॉईल हो चुका है। अब हमने क्या किया, गैस को स्लो कर दिया है। अभी धीमी आंच में हमारा दूध जब तक पक रहा है, हम क्या करेंगे, कस्टर्ड को फेंट लेते हैं। तब तक कस्टर्ड क्या, जैसे डालने के बाद क्या होता है, वो एक जगह जम जाता है, तो इसको क्या, आप बड़े आराम से धीरे धीरे करके फेंटें। अच्छा, ठंडा दूध लेंगे तो क्या होगा, आराम से फिट जाएगा। हाँ, गर्म दूध में क्या, जल्दी से फिटता नहीं है। ये देखिए, अब इसमें आपको एक भी दाना नहीं दिखेगा पाउडर का। इस तरीके से ये हमने कस्टर्ड फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूध को थोड़ी से गैस को थोड़ा तेज करते हैं, हम मीडियम फ्लेम रखना है हमें। अभी जो कस्टर्ड पाउडर है, हमें इसे धीरे धीरे उबलते हुए दूध में हमें डालना है। इसे डालते हुए इसे चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, चलाते हुए आप डालें कस्टर्ड। इसे क्या होगा, आपका कस्टर्ड अच्छा बनेगा। अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब तक हमें इसी तरह चलाते हुए करना है। ये देखिए, थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा और हम इसे पकाएंगे, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट बस। अभी जो हमने चीनी रखी है हाफ कप, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। गैस को थोड़ा आप स्लो रखिएगा, क्योंकि तेज करने से क्या है, जो कस्टर्ड का पाउडर है वो नीचे आपके जलने का डर रहता है। मीडियम फ्लेम पे रख के आप पकाइए, अच्छे से पकेगा ये। ये देखिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा कस्टर्ड। ये हमारा कस्टर्ड देखिए अब पक चुका है बिल्कुल। थोड़ी देर और हम इसको पकाते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पाउडर और यूज कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल में कस्टर्ड इतना पतला ही ठीक रहता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी ना हो, बहुत ज्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि उससे क्या, जो हम फ्रूट्स वगैरह डालेंगे ना, उसमें अच्छे से चढ़ेगा नहीं यदि ज्यादा पतला हुआ, और ज्यादा गाढ़ा होने से उसमें क्या, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बस इस तरीके से होना चाहिए हमारा कस्टर्ड। अब जो हमने चीनी डाली थी वो भी अच्छे से घुल चुकी है। कई बार क्या होता है, कुछ भी मीठा खाने का मन करता है, तो कई बार स्वीट्स वगैरह नहीं भी होते हैं, तो हम फटाफट कस्टर्ड आराम से, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ फल मिल ही जाते हैं। आप जब भी कस्टर्ड बनाने लें, कोई भी फल यूज़ करें, तो आप जैसे केला है, पपीता है, इस तरह के फल यूज़ ना करें जो सॉफ्ट फल होते हैं, अनार है,
और आपके नाशपाती हुआ, एप्पल हुए, इस तरीके के फल यूज़ में करें तो कि टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है कस्टर्ड का। अब इसे क्या करेंगे, हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड में कभी भी जब भी आप बनाएं तो जो है आपने फल काट के रखे हैं उनको गर्म में मत डालिए, पहले कस्टर्ड को ठंडा कर लें आप। जैसे अभी हम इसको ठंडा करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक मलाई की लेयर जम जाती है। वापस उसको अच्छे से फेंट लें, चमचे से अच्छे से चला लें, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह डालें। अब देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। एसेंस आप कोई भी यूज में ले सकते हैं कस्टर्ड में, वनीला एसेंस है, बनाना है, कुछ काफी आते हैं, पर वनीला एसेंस ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यह हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, कम से कम आधा एक घंटा तो चाहिए इसको ठंडा होने। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो जल्दी ठंडा नहीं होता, सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। हम इसे थोड़ी देर जाली ढक के छोड़ देते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें जो भी मलाई थी ना, हमने धीरे धीरे इसको फेंट के बिल्कुल इकसार कर लिया है। कम से कम हमने आधा से पौन घंटे रखा है ठंडा होने के लिए, अभी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो किशमिश रखी है हमने ये भी डाल देंगे, और ये सारे जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स और ये फल कटे हुए, इनको इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए आप। अब इसे हम क्या करेंगे, एक कांच की बड़े बाउल में डाल के फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए हमें रखना है इसे, क्योंकि आज हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं कस्टर्ड विद आइसक्रीम। तो हम पहले इसे 2 घंटे के लिए सेट होगा, फिर उसके बाद हम आइसक्रीम का बताते हैं आपको कैसे करना है। अब हमने क्या किया, बाउल में डाल दिया है सारा। अब ये है फ्रूट्स वगैरह हमने डाल दिए इसमें, जो किशमिश थी वो भी डाल दिया। अब इसे हमें क्या करना है, कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। 2 घंटा लगभग हो चुका है हमारा कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए। कस्टर्ड क्या अब सेट हो गया। अब जब आप किसी को सर्व करें तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले कस्टर्ड डालें, उसके बाद जो आइसक्रीम है, कोई भी आइसक्रीम हो आपके पास, उसको स्कूप के तरीके से इस तरह डाल के ऊपर थोड़ी सी चेरी से सजा दें। जब आपके घर मेहमान आए तो आप इस तरीके से थोड़ा सजा के उसको पेश करेंगे तो देखने में और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी कस्टर्ड विद आइसक्रीम। एक बार आप जरूर बनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू।